अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई के बैंकों से कर्ज लेने वाले पाकिस्तानी बुरी तरह फंस गए। कर्ज लेकर फरार होने की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। पाकिस्तानी ब्लैक लिस्ट, इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ गई है। मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले चैनल पर नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली नई मालूमात आपको मिलती रहे। मोहतरम नाजरीन, गैर मुल्की साजिश या और कुछ, दुबई में कई मुख्तलिफ बैंकों ने वीजा और पासपोर्ट पर लाखों रुपए के कर्ज देना शुरू कर दिए हैं। लोन की ऑफर सुनते ही हजारों की तादाद में पाकिस्तानियों ने भी दुबई के बैंकों से कर्ज लेना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा आखिरकार खराब ही निकला है क्योंकि मुतअद्दिद पाकिस्तानी लोन लेने के बाद वतन वापस चले गए। नाजरीन, मुख्तलिफ न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों की शिकायत पर दुबई हुकाम ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तानियों पर पाबंदी आयद करने का इशारा दे दिया है, जबकि लोन की अदायगी न करने वाले अफराद को ब्लैक लिस्ट करने और दुबई में मौजूद अफराद को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। ये थी ताजा तरीन रिपोर्ट जो आपके साथ शेयर कर दी गई है।